नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि माल्टा आपको क्यों आना चाहिए। आज पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा के बारे में। वेल, स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम आज जो है एडमिशन और वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और माल्टा कैसे आना है, एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम ए टू जेड। तो शुरुआत हमें जानना सबसे पहले ये ज़रूरी कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर लेवल्स में एजुकेशन होता है आपका। तो लेवल 4 जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट लेवल आपका, लेवल 5 और 6 जो होता है वो बैचलर लेवल के कोर्सेज होते हैं, और लेवल 7 जो होता है वो मास्टर लेवल का कोर्स होता है। एंड बेस्ट बात यहां पर है कि यहां पर 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्टेड है, मतलब कि आपकी जो 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री होगी उसके एलिजिबल है और उसके बेस पर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि 3 साल की डिग्री से हम जो है मास्टर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, 4 साल की डिग्री चाहिए रहती है उसके लिए। तो ये तो हमें पता चल गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर जो है टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 4 ही है मेरी नज़र में। पहला है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है। इसके बाद एमकास्ट, सेम। इसके बाद जो है 2 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस लोकेटेड अब्रॉड है, बट यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैंपस और काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो है लंडन स्कूल ऑफ कॉमर्स और सेकेंड है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। इसके अलावा काफ़ी सारे आपको जो है स्मॉल इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बट उनकी रेप्यूटेशन इन 4 के मुकाबले थोड़ी कम रहने वाली है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक कह सकते हैं कि मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स ऐसे। तो अब इन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज में अगर आपको अप्लाई करना तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है। तो आपको अगर जो है लेवल 5 या लेवल 6 के कोर्सेज या बैचलर लेवल के कोर्सेज या डिप्लोमास में एडमिशन लेना है तो आपको 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, और अगर आपको मास्टर डिप्लोमास या मास्टर जो है कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है तो आपको 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। बेसिक चीज़ सबसे पहले। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर एस सच कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपके परसेंटेज इतने हाई होने चाहिए। हाँ, ऑल्दो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के लिए आपको ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन ये जो 100 में बता रहा हूं इनमें तो आपके परसेंटेज कितने भी हो, दे विल टेक योर एडमिशन फॉर श्योर एंड गेट यू द एडमिशन। थर्ड दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट जरूर होना चाहिए, पासपोर्ट के बिना यहां पर एडमिशन आना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यही बहुत वेरी मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी होने वाली है। अब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जो है डॉक्यूमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे, जिसमें पासपोर्ट और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए आपको जो है SOP प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे मोटिवेशन लेटर भी कहा जाता है। LORs प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट IELTS देनी होगी। IELTS में आपके मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में अगर एडमिशन लेना हो तो। ये जैसे डॉक्यूमेंट्स गैदर हो जाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि यार यहां पर मल्टीपल इंटेक्स होते हैं। अब मल्टीपल इंटेक्स होते तो उसमें क्या रहता है कि हर 3 महीने में आपके पास इंटेक है, तो आप एडमिशन ऑलमोस्ट पूरे साल आपके एडमिशन चलते रहते, ऐसे कोई डेडलाइन तो नहीं है। बट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनवरी इंटेक है तो जनवरी इंटेक के एडमिशन 1 मंथ पहले क्लोज हो जाएंगे, तो जनवरी के दिसंबर 31st वुड बी द लास्ट डेट के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो हर एक इंटेक के 1 मंथ प्रायर जो है एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेते, उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी या फिर जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे एप्लीकेशन फीस लेते हैं इनिशियली, जो कि 100 यूरो से 200 यूरो रहती है, और फिर आप अप्लाई कर पाते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लेते, पहले आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दो, वो वेरीफाई कर लेते और आपको एक ऑफर लेटर इशू कर देते कि हाँ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंस्टीट्यूट। तो उस केस में क्या होता है, आपको पे तो करना ही है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जैसे मैंने बताया कि पहले ही 100-200 यूरो पे करना पड़ेगा, वेदर यू कॉल इट एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फी। कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आपको पहले एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद या तो 100 यूरो या 200 यूरो से लेके आसपास के बीच में आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। तो वो आप ऑन एन एवरेज 200 यूरो ले सकते हो। अब जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है, उसमें ऑफर लेटर में काफ़ी सारी टर्म्स मेंशन होती है। टर्म्स कैसे मेंशन होती है कि आपको जो है 50% ऑफ ट्यूशन फीस पहले पे करनी होगी, उसके बाद हम जो है अनकंडीशनल लेटर या फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। तो वो आपको ट्यूशन फीस बैंक ड्राफ्ट कॉलेज के नेम पर बनाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें पे करना पड़ता है उस जरिए से। यहाँ पर एक हैक ये है कि कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स जो मैंने बताया था 100 वाले, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं कर रही है, कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको जो है अलाउ कर देते कि आप जो है ट्यूशन फीस वीजा के बाद पे करें। उन्हें वीजा के पहले नहीं चाहिए रहती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए रहता है। तो इस तरीके से आप जो है दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में, और वैसे भी ये फीस जो है ना रिफंडेबल होती है, आप जो ट्यूशन फीस पे करेंगे वो रिफंडेबल होती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस या एप्लीकेशन फीस होगी वो रिफंडेबल नहीं होने वाली है। तो इसमें भी चिंता नहीं है, पहले भी पे कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बाद में भी पे करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो सपोज आपने ट्यूशन फीस पे कर दी, पे करने के बाद यहां से फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप में वो यूनिवर्सिटी जो है आपको अनकंडीशनल लेटर देती है, फाइनल ऑफर कह लो या फिर फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर कह लो। इस
लेटर के बेस पर आप जो है अपनी होम कंट्री में वीजा अप्लाई करने वाले हो। नाउ माल्टा का केस थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अदर कंट्रीज में तो क्या होगा कि आपको जैसे एडमिशन लेटर मिला आप जो है वीजा के लिए दौड़ोगे VFS एम्बेसी में और वहां पर अप्लाई करोगे, लेकिन यहां पर चीजें अलग होती है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पर जो है वीजा की बुकिंग करता है CVU यूनिट से। आपकी जो वीजा अपॉइंटमेंट बुक होगी इंडिया में वो यहां से होती है CVU यूनिट से, तो वो जो है आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर देगी या वो खुद ही कर देंगे। उसके लिए जो अमाउंट लगता है वो 150 यूरोस का लगता है। कुछ यूनिवर्सिटीज इसके लिए 160 चार्ज कर सकती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए 200 तक चार्ज कर सकती है, वो कन्वर्जन रेट्स और टैक्सेस की वजह से। तो वो 200 यूरोस आपसे एक्स्ट्रा और मांग सकते हैं, 150 से 200 यूरोस एक्स्ट्रा और मांग सकते हैं टू बुक दी वीजा अपॉइंटमेंट फॉर यू। तो इसमें आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो एक लीगल चीज है जो आपको करना ही पड़ेगी, अदरवाइज वीजा कैसे अप्लाई करोगे। ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज आपको सब प्रोवाइड कर देती है कि आपने ट्यूशन फीस पे कर दी, अनकंडीशनल लेटर सब में सब चीजें उसमें लिखी रहती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में तो अगर उनका अकोमोडेशन है तो अकोमोडेशन भी लिखा रहता है, उसके कारण जो है आपको होटल बुकिंग नहीं करनी पड़ती, तो अकोमोडेशन भी उसमें मेंशन होगा आपकी जो फाइनल ऑफर लेटर में। अब इसके बाद क्या होगा, जिस भी VFS बहुत सारे हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, सो ऑन, बहुत सारे VFS है माल्टा के, तो आप वहां पर जाएंगे और अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वीजा के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड कर दी वो वाले डॉक्यूमेंट्स, और आपको एडिशनली कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, स्क्रीन पर सारे देख पा रहे होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है VFS में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका होने वाला है बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपको लगने वाला है। अब इस बैंक स्टेटमेंट में दोस्तों आपको दिखाने हैं मिनिमम 11 लाख रुपीज़, इसमें ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस का ये अमाउंट एक बनता है, तो 11 to 12 लाख मिनिमम आपको दिखाने रहेंगे। एक डिसेंट अमाउंट बोलोगे तो भाई 15 लाख रुपये का अमाउंट अगर दिखाओगे तो बेहतर होगा आपकी प्रोफाइल के लिए, यही एक यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल बन जाता है। इसके साथ में आपको 3 इयर्स का ITR भी दिखाना पड़ेगा जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस केस में आप लोन भी ले सकते हो अगर चाहो तो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे और जो भी डेट आपने फिक्स करी होगी, जो भी यूनिवर्सिटी से CV यूनिट से वीजा अपॉइंटमेंट ली होगी जिस डेट की, उस डेट पर आपको जाके ये सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद कुछ केसेस में जो है आपका वीजा इंटरव्यू हो सकता है और कुछ केसेस में वीजा इंटरव्यू नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि यार इससे और थोड़ा सा पूछना चाहिए तो पूछ लेंगे, और वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है कि कहां जा रहे हो, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, कौन सा इंस्टीट्यूट का नेम है, ये सारी चीजें, तो ये तो बेसिक चीजें आप आसानी से बता ही सकते हो। बस ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपका जो है अराउंड 1 मंथ का टाइम ले लो, अभी के टाइम्स के हिसाब से 1 मंथ लग रहा है वीजा आने में, तो 1 मंथ के बाद जो है आपका वीजा आ जाएगा और आप जो है फ्लाई करके यहां पर आके फिर इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट करा के यहां पर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका टोटल एक्सपेंसेस की बात करो तो फॉर एग्जांपल अगर आप 7000 यूरोस की ट्यूशन फीस है तो आप मान के चलिए कि 6000 यूरोस आपके लिविंग एक्सपेंसेस होने वाले, तो 13000 यूरोस टोटल हो गया। अब डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूशन फीस ज्यादा है या फिर लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हो। ये एक डिसेंट अमाउंट जो है मैंने आपको बताया कि इतना आपका लगने वाला है, ऑलमोस्ट 10 लाख तक का यहाँ पर खर्चा आता है यहाँ पर एजुकेशन करने का, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस भी इन्वॉल्व हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, और आपका जो है लिविंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाता है। और इसको कवर अप करने के लिए आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके उससे अर्न कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ROI काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ट्यूशन फीस इतनी हाई नहीं कि भाई उसका रिटर्न निकालते निकालते ही टाइम लग जाए, तो वो उस चेंज में आप जो है 1.5 ईयर्स मैक्सिमम मान लो, उतने में जो आपने अमाउंट लगाया वो निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है अर्निंग स्टार्ट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग, जो आप एक्चुअल में अर्न करने वाले हो ये खर्चे जो है इसको कमाने के बाद। यहाँ पर दोस्तों अगर बैचलर्स डिग्री करने आ रहे हो तो 3 to 4 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर आप जो है मास्टर डिग्री करने आ रहे हो तो अप टू 10 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर जो है अगर आप परस्यूइंग स्टूडेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोविजनल डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रीटी मच सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, बट अगर आपको एडमिशन चाहिए माल्टा में तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हो। ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स के साथ इनके टाइप है तो उनसे आप एडमिशन लेके यहाँ पर आ सकते हो। एनीवे सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, अगर आप खुद भी चाहो तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है जो मैंने मिस कर दिया हो अगर अपने वीडियो में, तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। तो या मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़।